जो उनके चेयरमैन हैं प्रेसिडेंट हैं आश्रम के, वो अपने तमाम लोगों को लेकर आए हैं। स्वागत है लोगों के साथ तमाम लोगों का। और हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बहुत ही अच्छे बजट के, बहुत अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं। तो बस साढ़े चार मिनट के बाद आपका ये प्रोग्राम जो है शुरू होने वाला है। सम्मानार्थ प्रेक्षक उभे रहा है। आ
लोग आए हैं यहाँ पे, बारिश शुरू हो गई थी, थोड़ा टेंशन था कि लोग आएंगे कि नहीं, लेकिन 1026 की कैपेसिटी में 450 से 500 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, और भी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं। तो मेरी दुआएं हैं गणपति बप्पा से कि आप लोग हमारे शो में आके, आपने हमारे शो को 4 चांद लगाए हैं, इस शो को भी बनाने के लिए आप लोग आए हैं, तो आप लोग की मनोकामना जो है वो बप्पा करेंगे। तो बोला गणपति बप्पा, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है अजीत कपूर, मैं फिल्मों में काम करता हूँ, म्यूजिक एल्बम में काम करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, फिलहाल तो ऑर्केस्ट्रा कर रहा हूँ। और हमारे अगले कलाकार को बढ़ाना चाहूँगा जो कि हमारे शो के को ऑर्गेनाइजर भी है, प्रकाश दाभोलकर साहब। आइए प्रकाश भाई, जोरदार तालियां हो जाए प्रकाश भाई के लिए। और किशोर कुमार साहब का गीत लेकर आ रहे हैं, गीत तो बोले पूर्ण से ऐसा।
सीक्रेट सर्विस ऑफ इंडिया इंटेलिजेंस में भी वो थे, मैं भी था थोड़े समय के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मराठा लाइफ फाउंडेशन, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, वो इनका है सर। सर तालियां हो जाए। और 20 लोग आए हैं विरार से, आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं। Yeah.
Oh,
फाउंडेशन है मार्टल फाउंडेशन अभी उद्देश्य सर आइए ना दो मिनट अपने फाउंडेशन के बारे में बताइएगा दो मिनट बताएगा सर प्लीज सर सर ही इज ए फिल्म प्रोड्यूसर दो बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की है तीन एकड़ में इनका आश्रम फैला हुआ है ही वॉज इन सीक्रेट सर्विस ऑफ इंडियन में कौन सी सर्विस में बताऊंगा नहीं वो हम दोनों थे और ही वॉज एक्स कारगिल वॉर हीरो जिनको ब्रेवरी का अवार्ड मिला तो रुखसार जी के हाथों से मैं साहब का सम्मान करना चाहता हूँ लोखंडे साहब का और लोखंडे साहब तो सर को भी दो शब्द बोला सर आपकी फर्स्ट चॉइस बोले माला हंसी जत्रा मध्य मोरे साहब ने बैठा है वहाँ से कहानी निकली और वो कहानी यहाँ तक पहुँची सर प्लीज आज का जो कार्यक्रम मेरे दोस्त है जीत भाई और अनिता मैम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैं 20 साल आर्मी में था कारगिल के वार में था बाल बाल बच्चा था
और मैं रिटायर्ड नहीं हुआ था, मम्मी पापा का सेवा करने के लिए छुट्टी लिया था और ज़्यादा सीरियस हो गए थे तो मेरे को प्रीमेंशन लेना पड़ा और उनकी इच्छा थी कि मैंने देश सेवा किया है, अनाथों की सेवा करो, इसलिए मैं पिछले 16 साल से अनाथ आश्रम चला रहा हूँ। जो रोड पे भटक रहे उनको संभालता हूँ, जो कि बॉम्बे यहाँ से पुलिस के माध्यम से भेजे आदमियों को मैं अपने यहाँ ला के उनका ट्रीटमेंट करवाता हूँ और उनका घर ढूंढ के घर तक पहुँचाता हूँ। करीब 12,000 से ज़्यादा आदमी को घर तक पहुँचाया है और आज 250 आदमी आश्रम में है और अनाथ आश्रम उनमें मैंने खड़ा किया। मेरी माँ बाप की इच्छा थी, मैंने पूरी की और मैं इनका फैन हूँ, प्रभाकर साहब का डेली इनका प्रोग्राम आश्रम में दिखाता हूँ, तो आज उनको यहाँ देख के मैं बहुत खुश लगा और मैं पूरा जीत कपूर बीट्स का मैं बहुत आभारी हूँ। पिछले 5 साल से अनाथ आश्रम के लिए जो भी मदद करते हैं मैं उनके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। जब आए हैं तो मैं मेरे लिए आए हैं, मैं सोचूंगा मेरे अनाथों के लिए आए और जीत साहब का मैं आभारी हूँ कि ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और आश्रम के 20 साथ में आए, लंगड़े लुड़े सब आए हुए, सब नई शादी किया है, ऐसे जोड़े को लेके आया हूँ मैं, वो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे यहाँ लाके मैं उनको ये प्रोग्राम दिखाना चाहता था। और 2 साल पहले मम्मी सलमा का के प्रोग्राम में आई थी तो उन्होंने अप्रिशिएट किया था। 108 साल की मम्मी अभी अप हुई, उनका मैं 11 बेटा हूँ, 12 बच्चे की माँ थी। पप्पा 115 साल के अप हो गए पर उनका आशीर्वाद अभी भी है, तब जाके मैं फौजी को कौन पूछता है रिटायर के बाद। तो मैं एक देश सेवा के बाद अनाथों की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ पे आके कई 2 वर्ड्स बोल पा रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत आभारी आयु आते जी का मैं आभारी हूँ। और आप थाना में आके अनाथ आश्रम देख सकते हैं वसई में, और रोड पे कोई भटक रहा है उनको मेरा नंबर दे दूंगा, वहाँ पे छोड़ सकते हो, मैं लाइफ टाइम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में संभाल दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत आभारी। सर मैं अखिलेश जी को स्टेज पर बुलाऊंगा, सुधीर सिन्हा साहब को स्टेज पर बुलाऊंगा। सर अखिलेश जी आइए, हमारे दाबोलकर साहब, हमारी महिलाएं और भी महिलाएं हैं बाकी, उनको बुलाइएगा, उनके हाथों से हम सम्मान करेंगे। सर अखिलेश जी का अनिता जी यू आर कमिंग, अनिता जी प्लीज कम ऑन स्टेज। अनिता जी यस द आयरन लेडी। अखिलेश जी ये भी एक समाज सेवक है। सर आइए प्रकाश भाई प्लीज कम, प्रकाश भाई हमारे ऑर्गेनाइजर है, इनके हाथों से अखिलेश जी का सम्मान करेंगे। सर प्लीज, थैंक यू। सुधीर सिन्हा साहब प्लीज यहाँ, यस सर। दिलीप सुराना साहब आइए सर स्टेज पे 2 मिनट के लिए। यस सर, हाँ सर मैं, हम लोग क्या हमारे यहाँ ब्रेक लेते नहीं नॉर्मली, लेकिन क्या है कि सर, अरे भाई वहाँ से जो बुके रुक सर जी, प्रकाश जी बाकी जो हाँ है ना सर, प्लीज आइए ना, हमारे सब लेडीज के घर पे चले गए कि डॉक्टर पूजा क्यों रहेगी गेली क्या, ठीक है चलो जाओ दे आइए सर। सीता साहब आप तक मैं चंडीगढ़ पहुँच चुका होता है, इसके लिए मैं ट्रेन से सफ़र करता हूँ सर। हाँ सुधीर सिन्हा, अच्छा सर उसका तेरे एड्रेस पर करता था क्या, अच्छा ठीक है सर। सिन्हा साहब की यही कहा मतलब खासियत है, विंग में क्या क्या करते पता नहीं चलता, स्टेज पे आने के बाद ही मालूम पड़ता क्या करते यार। सर अपना शो 3 घंटे का है, 6 घंटे का पैसा देना पड़ेगा उसको, कुटे मिले सिन्हा साहब। सुराना साहब प्लीज कम ऑन स्टेज, दिलीप सुराना जी, दिलीप सुराना जी प्लीज। अरे मैंने पहले सिन्हा साहब का स्वागत रुक्सर जी करेंगे, मैं सबको बुला रहा हूँ, आइए सुराना जी प्लीज आइए। अरे बुके है वहाँ पे, यस हाँ अच्छा जी, सुराना साहब प्लीज प्लीज कम ऑन। डॉक्टर अंजलि धामनगांवकर जो है वो आ रही है, वो सुराना साहब का स्वागत करेंगे। मंगेश भी आपके मेरी समझ में नहीं, आप क्या बोल रहे हैं सर, मैं कंफ्यूज हो गया। सुराना साहब आपके पीछे खड़े मैडम, आप मुंडी घुमाइए ना सर, इधर आइए। हाँ सर, अरे एक चौक के ताली तो बजा रही है। माजा आवडता गायक कौन है, मोहम्मद रफी साहब सर। अरे सर पण 2 मिनिट फक्त, नहीं तो 2 गाणी का आवडता गायक रफी, मनापासून प्रेम करतो आगे रफी साहब, जोरदार ताली हो गया। अरे थैंक यू, अरे हाँ ये सभी, अरे सर सर ये हमारे सिंगरों को बांट देंगे, यस यस हाँ वीडियो सर निकालो प्लीज। अरे अरुण बख्शी जी आ गए, ओके सर अरुण बख्शी जी प्लीज 2 मिनट के लिए, ओके ओके हम हमका स्वागत करेंगे, फिर 10 मिनट का रेस्ट देंगे उनको। सचिन जी हम लोग फिल्म का नाइट्स करने वाले यहाँ पर, यस अरुण बख्शी जी सर 2 मिनट के स्वागत करते हैं आपका।
ये डॉक्टर पूजा विल फैसिलिटेट डॉक्टर अनुबक्षी, डॉक्टर अनुबक्षी जी प्लीज आइए सर। सर सर थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, आई एम फाइन सर। डॉक्टर पूजा, यस सर, यस सर, यस यस पिक्चर हो जाए, यस थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू, यस ये भी ना बात नहीं यार मेरे लिए, थैंक यू सर। सर ये मेरे दो ही हाथ है, भगवान चाहे चार हाथ देते तो कितना अच्छा है वो दो। सर थैंक यू सर, सर भाई कोई पकड़ेगा ये मेरे, सर सर कोई पकड़ेगा ये, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर। आप 10 मिनट लीजिए, आपके लिए मैंने स्नैक्स वगैरह मंगाए है, थोड़ा रेस्ट लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट ओके सर, मेरा भी फोटो आ गया। प्रभाकर मोरे साहब फेवरेट, give a huge round of applause to the person who has done it, Mr. Jeet Kapoor. Taaliyon mein kanjusi na ho to acha hai, aur lagatar aadhe din tak to taaliyan bajti rahi hain, kab hai kab hai. Give the due to a man who is so passionate about the singing, he's so passionate about the team of his. Ye chahte hain ki inki team bhi aage badhe aur ye bhi aage badhe. I'll be back with you. Don't go anywhere. Thank you. सर ग्रीन रूम में रमेश भाई सर को ग्रीन रूम में लेके जाइएगा। रुक्सार जी प्लीज आइए, प्रोग्राम हम लोग सर प्लीज बैठ जाइए। मोरे साथ गॉड ब्लेस यू, भगवान भला करे। और सर आप मोरे साहब जाता जाता एक डायलॉग तो नहीं जा पाजी चिपलून जा बरोबर ना। नमस्कार, चिपळूणच्या भाषेत बोलायला लागेल ना, काय समजले काय समजले। तर सांगतो एक गोष्ट, म्हणजे खूप वर्षापूर्वी सरकारी योजनेतनं आपल्याकडे टॉयलेट बांधले जायचे, तसाच मी आमच्या गावाला सरकारी योजनेनं टॉयलेट बांधलं होतं राहायचं म्हटलं। तर झालं असं, मी सकाळी नेहमीप्रमाणे उठलो, आपली नाकावडी मशिरी लावली आणि बायकोला म्हटलं पाहिजे नाकावडी चाय ठेव, ते चाय घेतली आणि मग आपल्या टॉयलेटला निघालो। तो टॉयलेट जाऊन बघतो तो कोण, टॉयलेट मध्ये वाघ बसला होता, काय समजलं। तर मी काय जाईन आज मध्ये, बायको म्हणते अहो थांबलो का जात का ना, तर म्हटलं वसाडी टॉयलेट मध्ये वाघ बसला आहे। तर म्हणाले तुम्ही काय घाबरलो ना, म्हटलं मी कशाला घाबरू, माणसं टॉयलेट आहे तो घाबरायला पाहिजे ना। तर म्हटलं वाघोबा सावकार सोंगी मना काय घाय नाही, अरे तुझ्याकडून ऑलरेडी मला झाली नाही का, थँक्यू। बराचसा पुढचा कार्यक्रम बाकी आहे, खूप खूप धन्यवाद। महाराष्ट्रीय हसत राहा, हसत बघत राहा आणि आमच्यावर प्रेम करत राहा, खूप खूप धन्यवाद, थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू थँक्यू थँक्यू। अरे लिंबू ला लिंबू, अरे इसको बोलते पैसा भाई। सर आप लोग सब जो ग्रीन रूम में जाएंगे ना, सर आप भी जाइए ग्रीन रूम में, लोखंडे साहब ग्रीन रूम में जाएंगे, मोरे साहब ग्रीन रूम में जाएंगे ना 5 मिनट के लिए आइए। और अभी सर कल लता मंगेशकर तू राही के उभा रहा, एक काट जाता कोई ना कोणाला कपूर साहब के लिए थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंगर्स के लिए वो जमाने चले गए जब एक म्यूजिक डायरेक्टर 10 म्यूजिक डायरेक्टर के बाहर खड़े हुए उसकी एक इनायत के लिए एक नजर के लिए आदमी खड़ा रहता था। हमने देखा है, हमने किया नहीं है वो। मैंने सिर्फ 25 साल में 332 गाने गाए हैं, 332 सॉन्ग्स, दैट इज विद सेल्फ रिस्पेक्ट। आई हैड वन थैंक यू, अगर ताली दे दिए तो जोर से दीजिए, तो शर्मा को रहे ताली इनके लिए भी है। मैंने देखा इतने प्यारे प्यारे सिंगर्स हैं और एक आदमी अंथक प्रयत्न के साथ में जिनका नाम है जीत कपूर, जीत कपूर। ये एक या दो महीने से ये कह रहे थे सर यू हैव टू कम, यू हैव टू कम, बीच में डिस्करेज भी हो गया, बीच में कुछ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, संगीतकार मत बोल रहे छोटे, मत बोल बीच में। दो महीने से अभी उनका शायद कहीं टूट गए, बोले कि बहुत दूर है सर आप मत आइए, मेरा शो होगा जुहू में आप वहां पे आइए। मैंने कहा नहीं, कोई शो छोटा नहीं है,
कोई कुछ नहीं है, ये मेरा शो है, आप मेरी ऑडियंस हो, आप सब कलाकार को सुनने आए हैं। मेरा मैं चाहूंगा कि आप इन सिंगर्स को आशीर्वाद दीजिए, दिल से आशीर्वाद दीजिए कि ये सब लोग जो है जिन्होंने बहुत साल से इंतजार की है एक गाने की, एक सुपरहिट गाने की, पता नहीं वो कमबख्त कहां छुपा रहता है लेकिन जब निकलता है तो सुख बहुत देता है। आशीर्वाद दीजिए इन सबको, जब ताली जोर से दीजिए प्लीज, आपकी तालियों की ताल कही है ये, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, पता नहीं कौन टपक जाए चला जाए कुछ नहीं है, वही आपका आशीर्वाद रहेगा। इन सब कलाकारों को जोरदार तालियां दीजिए और उस शख्स के लिए जरा ज्यादा ताली दीजिए जो सबको इकट्ठा करता है, अपनी पॉकेट से लोगों को पैसा देता है, कैसे कमाता है, कैसा इकोनॉमिक्स करता है, मिस्टर जीत कपूर। तो आज की शाम संगीतकार तो मेरे साथ बजाएंगे ही लेकिन आपकी तालियों के ताल पे होगा, जिसको जो आलाप लेना है बीच में लीजिए, मजा तो महफिल का है। क्या बोलते हैं भाई, क्या कहते हैं प्यालिया, ठीक है तो कुछ हो जाए। ये है ईमानदारी की बात, बात 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 ये जो टुकड़ा है इस वक्त यहाँ पे सतयुग है, कलयुग नहीं है, यहाँ पे जो बोला जाएगा सच बोला जाएगा। ये टुकड़ा यहाँ पर, ये जितने लोग हैं सतयुग के लोग हैं। ईमानदारी की बात है, महीनों से आवाज खुल नहीं रही थी क्योंकि विलेन के रोल कर रहा था 3-4 फिल्म में और इस तरफ जा नहीं रहा था, लेकिन आज सवेरे भगवान ने, सरस्वती माँ ने ऊपर से आमद दी, तो आपके साथ हूं। देखिए सांस के साथ आवाज जा रही है। Na 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 na
India is beautiful, Bharat is wonderful. Maza aaya?
नहीं यार तो किस तरह ये तो रेगिस्तान मजा आया. थैंक यू वेरी मच अगेन विल मीट हाय तुन्ना तुन्ना टाटा तुन्ना 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 again we meet, we celebrate, and it goes to the man and to the wonderful people. Thanks a lot, singers. Thank you so much, Sarji. Thank you very much. God bless. Shoo. Thank you so much. अभी अगले शो की ओर बढ़ते अरुण जी को मैं जरा छोड़ के आता हूँ. सर अभी धमाल गाने हैं. मजा है
Thank you.
क्या हुआ? मस्त है।